गई? लगता है आपको शुभ समाचार नहीं मिले। हम जीत गए हैं और इस युद्ध में बड़ा शौर्य का काम कर दिखाया है कुंवर प्रताप ने। जानते हैं हम, सब जानते हैं, सब कुछ बता दिया है। आप बीच में मत आइए। माँ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है, आपकी परवरिश में। आप क्या कहना चाहती हैं बिना? यही जीजा, ये कुंवर प्रताप को हमने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, तब भी लगता है हमारा इन पे उतना ही अधिकार है जितना आपका। छोटी माँ, आप जो कह रही है उसमें किसी को संदेह नहीं है। यदि अनजाने से हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें बताइए, हम प्रायश्चित करेंगे। आप हमारे अपराध तो बताइए छोटी माँ। आपका अपराध ये है कि अब आप खुलकर मनमानी करने लगे हैं। किसकी आज्ञा से आप युद्ध में शामिल हुए थे बताइए कुंवर प्रताप? ली थी किसी की आज्ञा आपने? आप जानते, जब आपके खोने की खबर आई तो हम पे क्या बीती थी? किसी बात का आभास है आपको? इस तरह अपने जीवन को संकट में डालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी मनमानी, ऐसा खिलवाड़ अपने जीवन के साथ क्यों कुंवर प्रताप, क्यों? हम ठीक है छोटी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम आपके सामने तो खड़े हैं, देखिए। और अगर कुछ हो जाता तो? आप जानते हैं ना हमारी क्या हालत है। ऐसी हालत में आपको हमें तकलीफ देना अच्छा लगता है? एक बार भी हमारा विचार नहीं आया। हमें क्षमा करें छोटी माँ, इस भूल के लिए आप जो बोलेंगे हम करेंगे। यदि आप जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं तो हमें वचन दीजिए, वचन दीजिए हमें कि आज के बाद आप युद्ध भूमि कभी नहीं जाएंगे। छोटी माँ, आपका पूरा मान रखते हुए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ऐसे वचन में ना बांधे जो हम पूरा ना कर पाए। ये मातृभूमि भी हमारी माँ है, जैसे कि आपके सम्मान और मर्यादा की रक्षा का वचन लिया है हमने, ऐसे ही हमारी मातृभूमि के सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने का भी वचन लिया है हमने। कुंवर प्रताप, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको आपकी मातृभूमि अपनी छोटी माँ से ज्यादा प्यारी है? हाँ छोटी माँ, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरे सभी कर्तव्य मातृभूमि के बाद आएंगे। अन्नदाता ने बावजी राज प्रताप को इसी समय दरी खाने में उपस्थित होने का आदेश दिया है। रानी माँ, दाजीराज रुष्ट है नाम से। जब से ये युद्ध समाप्त हुआ है उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला हमसे। दाजीराज बिल्कुल रुष्ट होंगे आपसे दादा भाई, उनकी हर आज्ञा को ना मानने की आदत डाल ली है ना आपने, रुष्ट तो वे होंगे ही। कुंवर प्रताप, जो अपने किए के फल से डरते हैं वो कायर होते हैं, और आप कायर नहीं हैं। निडर होकर जाइए और आपके दाजीराज जो आदेश दे उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकारें। जाइए। जी रानी। आइए दादा भाई, हम चलते हैं आपके साथ। वहां यदि दाजीराज आप पर गुस्सा हो जाए तो आप हमारे पीछे छुप सकते हैं। कुंवर शक्ति, आज
आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। आज रात हम स्वतंत्र मेवाड़ में पहला भोज करने जा रहे हैं। आप सभी ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस भोज में हमारे साथ सम्मिलित हों। इस समय मेवाड़ उन शूरवीरों के शोक में है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए पूरा भोजन सादा होगा। आप सब लोग हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्यों की तरह और एक परिवार एक साथ बैठकर शोक में भी स्वतंत्रता का सुख बहुत अच्छे से मना सकते हैं। राणा जी, यहां पर उपस्थित सभी लोग इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि एक साधारण मेवाड़ी के लिए स्वयं मेवाड़नाथ के साथ यहां बैठकर भोजन ग्रहण करना एक विशिष्ट सम्मान की बात है। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! मेवाड़नाथ की जय! मेवाड़नाथ की जय! बैठिए रावत जी, आइए आज आप हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिए। क्षमा राणा जी, किंतु यहां आपके साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने का अधिकार है किसी और का। आपको रह रहे के शूरवीरता के दौरे क्यों पड़ते हैं? आपको क्या लगता है, कुछ भोले भाले लोगों ने आपकी जय जयकार कर दी, थोड़ी सम्मान दे दिया तो दाजीराज इससे प्रभावित हो जाएंगे? जानते हैं ना आप उनको, दाजीराज सदा मर्यादा और अनुशासन को सबसे ऊपर मानते हैं, अपने परिवार से भी ऊपर। भाई शक्ति, आपको जो ठीक लगा आपने किया, हमें जो ठीक लगा हमने किया। ये अच्छी बात है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, पर अब कम से कम इस घड़ी तो हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे एकलिंग जी, दादा भाई आप तो डर रहे हैं, है ना? हाँ। बिना किसी औपचारिक युद्ध शिक्षा के बाबूजी राजप्रताप ने रणभूमि में जो शौर्य जो सूझबूझ दिखाई है उसे सुनकर हम मेवाड़ के भविष्य के लिए आशावान हो सकते हैं। वीर प्रताप की जय! 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 अम्बा खणी दाजीराज, गौर शक्ति, मान सिंह जी ने हमें बताया कि आपने उन्हें मार्ग में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अजीराज, हमारे लिए तो आपकी कही हर बात हमारा धर्म है। हुकुम, गौर शक्ति को भी भोजन में सम्मिलित होने की आज्ञा दी। आज्ञा है। शक्ति, आप यहां इस आसन पर नहीं बैठ सकते, इस आसन पर बैठने के लिए इसके योग्य होना पड़ता, कुछ विशेष कार्य करने होते। इस पर बैठने के लिए अभी आपको बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा। आप वहां उस आसन पर जाकर बैठ। कुमार प्रताप, क्या आप जानते हैं कि आपको इस समय यहाँ क्यों बुलाया गया? आपको ही इसका सही ज्ञान है दाजीराज। आइए कुमार प्रताप,
आगे आइए। कुंवर प्रताप, आपने हर अनुशासन तोड़ा है, आपने हर नियम तोड़ा है, आपने हर वो बात करी जिसके लिए आपको ना कहा गया था। कुंवर प्रताप, आपने बिना पूरी घुड़सवारी सीखे युद्ध के मैदान में कूद पड़े, आपने बिना अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लिए हथियार उठा ली, क्यों? हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज। बस कुमार प्रताप, इन सभी अनुशासनहीनताओं के बाद भी आपने सभी मेवाड़ियों का सर गर्व से ऊंचा किया। और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है इसलिए आपके इस विशेष कार्य को सम्मानित करने के लिए हम मेवाड़ नरेश उदय से आपको अपने साथ यहां हमारे साथ बैठकर भोजन करने के लिए निमंत्रण देते हैं। आइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा, आइए यहां बैठकर हमारे साथ भोजन कीजिए। कुंवर प्रताप, आपने जो कुछ भी किया चले हम आपके आभारी हैं। क्षमा हो कौन? खम्मा घड़ी अन्नदाता, महारानी भटियानी अंतर महल में कहीं नहीं है। किसी को नहीं पता वो कहां है। हम जानते हैं छोटी मां से नाराज है। छोटी माँ को ढूंढने बाहर जा रहे हैं, यदि इस बीच वो अपने कक्ष में लौट आए तो मैं इसकी सूचना दीजिएगा। बाऊजी राज, महारानी सा अपने कक्ष में नहीं है। पता है हमें। घड़ी हुकुम, हमने महारानी भटियानी जी को खोजने के लिए सुरक्षा दस्ते की 3 टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं में भेज दी। राजीराज, हम जानते हैं छोटी माँ कहाँ है। कहाँ है?
पर प्रताप, आपको कैसे पता कि बैना भटियानी एक लिंगजी के ही मंदिर में है? क्योंकि जब भी छोटी माँ एक लिंगजी के मंदिर जाती है तो वे अपनी जूतियाँ शैया की बाई और खोल कर रखती है, बाकी समय वो अपनी जूतियाँ पहनी रखती है। हाँ, यही होना चाहिए उन्हें। सर मंगल मंगले शिवे सर्वात साध के चंद के कौरी नारायणी नमोस्तुते राष्ट्रकाम जम प्रोक्तम हर्षे ए पठंत नराभक्ता तेषां संप्रसीदति। कर रही है धीर भाई जी, इन्हें तुरंत रोकना होगा। नहीं महारानी चंदा जी, उनकी पूजा में विघ्न मत डालिए। खंभागणी मेवाड़नाथ, खंभागणी महारानी साहब, रानी साहब बहुत देर से बिना रुके एकलिंग जी की विकट पूजा कर रही हैं, एकदम थक गई है पर रुक नहीं रही है। रानी माँ, छोटी माँ कैसी पूजा कर रही है? हे एकलिंग जी, आपने हमारे प्रताप को विघ्न से बचाया, उसकी रक्षा की, उसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए एकलिंग जी। यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो जाता तो हम अपने अजन्मे में बच्चे का मुंह तक नहीं देते। इस प्रण के साक्षी आप थे एकलिंग जी, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हमारे कुंवर प्रताप की दीर्घायु के लिए इस पूजा का अंतिम सोपान स्वीकार कीजिए। भाई क्या कर रहे हो आप? ठीक तो है ना? छोटी माँ क्या कर रही थी? धीर भाई जी आंखें खोलिए। छोटी माँ आंखें खोलिए ना। छोटी माँ, धीर भाई जी, पंडित जी पानी दीजिए। दाई, राज भाई जी को सूचना दीजिए। जी महारानी सर। ये भाई जी, इस समय इस अवस्था में आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों है अकेले यहाँ पर? क्यों ना होते, ये तो एक माँ की प्रार्थना थी अपने बेटे के लिए, फिर इसमें कोई और कैसे आ सकता था? छोटी माँ, आज आपका मन दुखाने के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। संभल के। ऐसा क्यों कह रहे हैं कुंवर प्रताप? आपने हमारा मन नहीं दुखाया, बल्कि आपने अपनी मातृभूमि के लिए ये समर्पण करके हमें खुश किया है। हमें तो आप पर गर्व है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे मन में बहुत करुणा है ना आपके लिए, इसलिए आप बस वही करते जाएंगे
आपकी रानी मां आपसे करने को कहती है।